छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवर्धा जिले में हुई निर्मम हत्या और घर जलाए जाने की घटना के बाद छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कवर्धा मामले में बंद आरोपियों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 14 सितंबर को कवर्धा के लोहारडीह में हुई लोहारडीह हिंसा अग्निकांड घटना में शिवप्रसाद साहू नाम के शख्स की लाश गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जंगल में पेड़ से लटकती हुई मिली, जिसके बाद युवक की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली लोगों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और लोगों ने गाँव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके मकान को घेर कर रघुनाथ साहू के परिवार के महिला पुरुष और बच्चों से मारपीट करने लगे और घर को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसे संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में वहां के कलेक्टर SP सहित अन्य का तबादला कर दिया है। मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया, साथ ही कवर्धा मामले में बंद आरोपियों से मुलाकात की। लगातार का क्या मतलब है आपका? कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अलग है, आप तो समीक्षा कर लें, पहले आप समीक्षा कर लें। एक मौत हुई है जिसके बाबत पंचनामा हुआ है, कांग्रेस के विधायक वहां सामने थे, तो हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है इस प्रक्रिया का, कोई विषय नहीं, बिल्कुल सामने रहे, गलती जो किया होगा वो सजा पाए। पूरे थाने को बदल दिया गया है, SP बदल दिया गया है वहां पर और एडिशनल SP सस्पेंड किए गए हैं, जांच आयोग बिठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर जांच होगा, जो गुनहगार होंगे वो सजा पाएंगे, उसमें कोई बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आरोप सही है अथवा गलत है, परंतु आज जो मैंने देखा है, साफ सफाई अच्छी है, भोजन अच्छा है, सबसे मैंने पूछा है, सबने बताया भोजन अच्छा है, और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे, DG जेल भी हमारे साथ आए हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायात्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के जो जेल के अंदर है, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा, साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश करें। सर, उसी व्यवसाय के अंतर्गत कैंटीन खोली गई थी, उसी कैंटीन से जो है वो नस्ली दवाएं बरामद हुई। अभी मुझे मालूम नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, मैं पता करूं। पक्ष में नया चीज खरीदना या नहीं करना, शुभ कार्य करना या नहीं करना, या अपने, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, मतलब उसमें तो जो आपकी मान्यता है, भावना है, जो आपने परंपरा से परिवार में सीखा है, उसका मैं सोचता हूँ पालन करिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है भाई, तर्क वितर्क हर चीजों में नहीं किया जाना चाहिए, ना ही इसकी आवश्यकता। सर मंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो कबीरधाम में लोहारडीह में जो घटना, लोहारडीह की घटना, तीन अलग अलग घटनाएं हुई ना, एक पहले एक मृत्यु हो गई जो मध्य प्रदेश की सीमा में थी, दूसरा फिर यहाँ पर एक आगजनी घटना हुई जिसमें रघुनाथ साहू जी जल गए, उनकी पत्नी भी 80% जल गई, और उसके आरोप हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने मिलकर के कर दिया। फिर जो पुलिस की पुलिस में जो सर्जरी हुई है, मतलब वो अब अंतिम गिरफ्तारी के समय जो विषय आया, उसके कारण थोड़ा वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।